हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। चाय नाश्ता हो गया है और अब मैं लंच बनाऊंगी। लंच टाइम हो रहा है, अभी 1:30 बज रहा है। तो मैंने ब्लॉग भी आज 1 बजे से ही बनाना शुरू किया था अपना, तो आज मैं लंच में बनाऊंगी। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। आज मैं लंच में घिया के छिलके बनाऊंगी। तो घिया के छिलके की रेसिपी जो भी सुनता है बहुत अचंभा करता है, लेकिन घिया की सब्जी से ज़्यादा टेस्टी घिया के छिलके बनते हैं। तो मैं आज आपके साथ वही सब पूरा खाना शेयर करूँगी। तो मैं आज घिया का रायता बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, छिलके बनाऊँगी घिया के, और रोटी बनाऊँगी। ये पूरा इसका साथ है खाने का, और देसी स्टाइल में बढ़िया खाना है, एकदम सिंपल खाना है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और जो घिया नहीं खाते हैं और जिनको घिया नहीं पसंद है, और घिया से ज़्यादा घिया के छिलके पसंद करेंगे अगर आप लोग एक बार बना के खाओगे तो। बस तरीका वही है जो मैं बनाऊंगी, आप लोग भी उसी तरीके से बनाना। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं। घिया की वैसे तो सभी सब्जी बनाते हैं, कोई हल्दी मिर्च के बनाता है, चने की दाल की बनाता है। आप काफ़ी रेसिपी चैनल पे भी देखते होंगे, पर इस टाइप की रेसिपी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो मैं आज उसी स्टाइल में खाना बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था अपने सूट जो ऑनलाइन बेटी ने मंगवाए थे, तो एक उसकी चुन्नी मैंने आपको नहीं दिखाई थी, कहा था धोने के बाद दिखाऊंगी। तो मैंने आज ये चुन्नी धोई और धो के इसके धागे निकाले। जयपुरी थी तो ये इसमें धागे बंधे हुए होते हैं इस तरीके से, तो वो मैंने आज धोई। लेकिन चुन्नी का बस आपको दिख रहा होगा प्रिंट ही अच्छा है, बाकी क्वालिटी एकदम बेकार है, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी है। ऑनलाइन चीज़ें मुझे तो पसंद है नहीं, बेटी मंगवाती है, मुझे तो 1% पसंद नहीं है। मैं तो अधिकतर या तो कपड़ा लेती हूँ तो सिलवाती हूँ, और वरना जाके ही ख़रीदती हूँ। तो इसमें इतने सारे सुराख निकले हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पता नहीं कैमरे में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये देखिए, ये पूरी एक लाइन है, पूरे सुराख सुराख है, और कपड़ा एकदम ऐसा ज़रा सा भी फंस रहा है तो इसका धागा निकल रहा है। तो मंगवा लिया है अभी मैंने, बेटी को फ़ोन करके बोला है, अगर चेंज होगा तो हो जाएगा। उसकी कोई फ्रेंड है वो काम करती है ऑनलाइन, और नहीं होगा तो फिर तो काम चलाना ही पड़ेगा। तो अब बनाते हैं खाना, चलते हैं किचन में, आपसे मिलते हैं। और आज देखो मैंने क्या पहना हुआ है, आज मैंने कॉटन का सूट पहना हुआ है, ये राजस्थानी सूट पहना हुआ है मैंने, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो आज मैं तैयार हो गई, बस मेरा मन कर रहा था तो मैं इसीलिए तैयार हो गई, और मैंने राजस्थानी सूट पहना हुआ है। देखो आप लोगों को दिखाऊँ, इसकी कॉटन की चुन्नी है और ये डिजाइन है इसमें, ये नीचे ये डिजाइन है और कॉटन की चुन्नी है। कभी कभी मन कर जाता है पहनने का, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, एकदम लाइट वेट है, अच्छा सूट है। बनाते हैं आज की अपनी नई रेसिपी और मिलते हैं किचन में, चलिए। तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं घिया को छील रही हूँ, और घिया के छिलके थोड़े मोटे मोटे छीलूँगी क्योंकि मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी। और इस तरह से देखो इतने मोटे मैंने ये छीले हैं। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, और इनको इस तरह से बारीक बारीक काट लूँगी। और ये इतने बारीक है, देखो इस तरह से काटे हैं मैंने। और इसमें 2 आलू डालूंगी क्योंकि आधा किलो घिया के छिलके थे, तो उसी हिसाब से आलू डालूंगी। ज़्यादा आलू हो जाएंगे तो फिर वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, तो मैंने 2 ही आलू डाले हैं। और आलू को छीलना नहीं है, इसी तरीके से काटना है। और यहाँ पे मैंने घिया को पहले ही धो लिया है क्योंकि कसने के बाद मैं नहीं धोऊँगी, सारा विटामिन निकल जाता है। तो मैं इसको बॉयल करने रखूँगी, तो यहाँ पर घिया हमारी कस गई है, अब मैं इसको बॉयल करने रख दूँगी। और पानी इसमें मैं बहुत थोड़ा ही लगाऊंगी क्योंकि जो पानी इसका बचेगा वही मैं दही में डालूंगी, और इसे 1 सीटी में उबल जाएगी बहुत आसानी से। तो जब तक घिया उबलेगी तब तक और तैयारी करूंगी। और यहाँ पे मैं प्याज छील रही हूँ, 1 प्याज डालूंगी और लहसुन डालूंगी। तो आज हमारा मिक्सी का गिलास ख़राब हो गया था, और वो यूज नहीं होता है, कभी कभी यूज होता है, तो इसीलिए वो जाम हो गया था और बेटे ने खोल दिया। तो मैं इसमें खरल में कूट रही हूँ, वैसे तो चॉपर है, चॉपर में मैंने इसलिए नहीं काटा, उसमें मोटा रहता है, इसमें बारीक हो जाएगा। और इसी में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और रेड चिल्ली पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, धनिया डाला है, और थोड़ा सा नमक डालूँगी, इसी में काफ़ी बारीक कूट जाएगा। और इसमें कोई मैंने गर्म मसाले नहीं डाले हैं और ना ही पड़ेंगे, बस इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई रख रही हूँ
और कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। और मैंने जो घिया के छिलके और आलू काटे थे वो धो रही हूँ। और यहाँ पे हमारा मसाला तैयार है, देखो एकदम बारीक मसाला पिस गया है। और इसी में मैं चावल 2 चम्मच पीस लूँगी। वैसे तो मिक्सी में पिसते हैं, मैंने बताया मेरा गिलास ख़राब हो गया है, तो मैं कूट के और इसे मैं छान लूँगी ताकि जो मोटे चावल होंगे वो निकल जाएंगे। इधर कढ़ाई हो गई है तो मैंने मेथी का तड़का लगाया है। मेथी को खूब भुन जाने देने तक मैं इसमें मसाला छोड़ दूँगी। और मसाला अच्छी तरह से भूनना है जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। और अब घिया के छिलके डाल दूंगी। इधर दूसरी गैस पे तब तक मैं चावल बनने रख दूंगी। तब तक घिया हमारी उबल चुकी है, वो मैंने ठंडी होने रख दी है और ये तेल सेपरेट हो गया है। अब मैं घिया डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे घिया के छिलके डाल रही हूँ। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल सिम गैस पे इसे एकदम धीमी आँच पे बनाना है। और मैंने जो घर पे दही जमाया था तब तक मैं उसे फेंट लेती हूँ। और इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि जो घिया में मैंने बॉयल किया है तो उसमें पानी है, तो वही पानी हो जाएगा, तो इसी से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये हमारी घिया हो गई तैयार यहाँ पे उबल के, और मैं इसको ठंडा होने रख दूंगी। इधर चावल भी बन ही गए हैं और ये मैं चावल का पीठा बना रही हूँ। ये मैं जब डालूंगी घिया के छिलके में, जब एकदम पूरे बन के तैयार हो जाएंगे, फिर इसको मैं खोल के अच्छी तरह कढ़ाई में भूनूंगी, फिर ढकना नहीं है इसको। और इधर मैं साथ ही साथ बर्तन धो रही थी कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो एकदम खट्टे पूरा बेसन भर जाता है, तो मैं धीरे धीरे सारे बर्तन धो रही थी। और यहाँ पर मैंने अपना आटा गूंद लिया है और ये देखो हमारी घिया के छिलके गल गए हैं। और हम इसमें अब वही पीठा डालूंगी जो मैंने चावल का पीसा था, और इसको सिम गैस पे एकदम भूनना है अच्छे से। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, भूनने से और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है जब इसमें पीठा डालती हूँ चावल का पीस के। आप लोग मिक्सी में मसाला पीसना अगर बनाए तो, मेरा तो गिलास ख़राब था इसलिए मैंने। और इधर हमारे चावल बन चुके हैं। और इधर मैं तड़का तैयार कर रही हूँ घिया के रायते के लिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। और जो मैंने ये घिया उबाली थी वो ठंडी हो गई है, मैं पानी के साथ ही इसको डाल देती हूँ। और इसमें अलग से पानी नहीं मिलाना है क्योंकि इतना ही थिक बनाना है ये। तो तड़के में मैं मस्टर्ड ऑयल में लगाऊंगी थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। जीरा डालना है और हींग डालनी है और मोटी वाली कुटी हुई मिर्च डाली है। मिर्च मैं घर पे ही कूट लेती हूँ मोटी वाली, चाहे चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी इतने ही मोटे होते हैं तो मैं घर पे ही कूट लेती हूँ। तो मैंने ये तड़का लगा दिया। और यहाँ पे मैं गैस पे कोयला रख रही हूँ रायते में स्मोक देने के लिए। कोयला हमारा जल गया है, मैं फॉल पेपर की एक कटोरी जैसी बना लूँगी और इसमें रायते में बीच में रख दूँगी इसमें, और इसी में कोयला रख दूँगी। और थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, बस इसको ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छा स्मोक आता है इसमें, बिल्कुल तंदूरी रायता बन जाएगा, घिया का तंदूरी रायता। और इधर हमारे घिया के छिलके बन के तैयार हो गए एकदम यम्मी, देखो एकदम रेड। और अब मैं रोटी सेक लूँगी। और जब घिया का रायता आप लोग अगर बनाओ तो उसमें नमक मत डालना। मैंने अब मेरा तो लंच टाइम हो गया था, खाने जा रही थी तो मैंने डाल लिया। अगर आप लोग बना के रखते हो तो जिस टाइम खाओ उसी टाइम डालो, बना के रखे इसमें अगर नमक डाल दोगे तो खट्टा हो जाएगा। जिस समय खाओ उसी समय नमक डालो। और ये हमारा यहाँ पर रायता और सब्जी चावल रोटी तैयार है। तो हमारी लग गई थाली और हम यहाँ पर खाने आ गए हैं। और तो यहाँ पे हमारी थाली तैयार हो गई, घिया के छिलके, रायता, चावल, रोटी। और आप लोग भी जब घिया की ये छिलके बनाएंगे ना तो रायता जरूर साथ में बनाना, चावल जैसे मैंने बनाया सेम इसी तरीके से बनाना, तभी आप लोगों को टेस्ट आएगा। और बताना आज की थाली हमारी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे आने वाली वीडियो में आपको नई नई रेसिपी इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो पहले करते हैं लंच, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे।
और आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है, दोबारा रेसिपी पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और खाना बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग भी आ जाइए और जब आप लोग घिया के छिलके बनाओ तो रायता ज़रूर बनाना, क्योंकि इसके बगैर रायता अधूरा है और रायते के बगैर घिया के छिलके अधूरे हैं। तो आप लोग एक ही साथ बनाना जब भी बनाओ, बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी बने थे। तो अब यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।